नमस्कार। गांव कानी, यहां जो दो गांव के नाम से जाने जाते हैं, साढ़े सात और साढ़े बारह, ये जो है 1947 से पहले जिस समय मुस्लिम बहुल गांव हुआ करता था, उस समय भी जो है ये दो ही गांव के नाम से जाने जाते थे। आज भी वही, इनकी दो पंचायतें भी अलग अलग हैं। तो अब हम जो पहुंचे हैं गांव कहानी साढ़े बारह के अंदर, साढ़े सात के अंदर, और यहाँ जो है आज़ाद हिंद फौज में रहे श्री ताराचंद, सुपुत्र श्री चांदराम, ये जिला रोहतक ही इसके ऊपर अंकित है। और जो है 1972 में मिला ये ताम्रपत्र भी इस बात की गवाही देता है, यानी जैल सिंह के द्वारा दिया गया। अब जो है फोटो, एक स्वतंत्रता सेनानी जिनका जो है ये फोटो है, इसमें भी कुछ हड़पाती तो नहीं है, पाकिस्तान के भी आए थे मर्द, मेडल ले मेरी माँ, बाद में बताओ मेरी माँ रखवाली है। आपका नाम क्या जी? करतार सिंह। करतार सिंह जी जो है ताराचंद जी के सुपुत्र है, आज़ाद हिंद फौज में इनके पिताजी रहे, और इनकी जुबानी जो है आपके सामने प्रस्तुत है। करतार सिंह जी, हाँ जी, आपके पिताजी जो हैं आज़ाद हिंद फौज में थे, हाँ जी। आपके पिताजी का नाम एक बार आप अपने मुख से बताओ कि क्या नाम था आपके दादाजी का? क्या मेरे पिताजी का नाम था चौधरी ताराचंद, चौधरी ताराचंद जी, एक्स गनर 68 नंबर, नाम पता बता दूंगा सर, बता दो मिलिट्री का, बिल्कुल बता दो। एक्स गनर ताराचंद, एक्स गनर ताराचंद, आई एन ए, ये इसका पता है इसका। आपका गांव जो है मायना गांव और बाद में जो आप बाद में यहाँ का नहीं आए, मुरबा मिला था जी, मुरबा मिला था, हाँ। मुरबा में कितने किले होते हैं जी? मुरबे में जी 125 बीघे। अच्छा, 125 किले। ये मारे गवर्नमेंट ने मारते कौन मुरबा नहीं थे, और वो मेरे दादाजी होते तीन, आई ने आर्मी था, ये कंच भी इन मुरबा नहीं दिया, कोई मुरबा मुरबा नहीं मिला, ये जो उनके गुलाम थे ना उनने मुरबे मिल गए। अच्छा, अब गुलाम नहीं थे, मेरे बाप और थे तीन लड़के भाई थे ना, उनने मुरबा दे दिया, मुरबा मारते कुल 45 बीघे सर, बस सरकार के द्वारा दिए गए, हाँ जी। वो फिर बाद में 65 मुरबा बंदी हुई ना, वो 65 बीघे खरीदी, तो आपको 65 बीघे सरकार के द्वारा, चार भाई वो भी, चार कोई बात नहीं, चार भाई या कुछ भी है वो तो एक अलग मैटर है। हाँ जी, आपके पिताजी को 45 जो है बीघे, हाँ 15 किले बोलते हैं इस बार, साढ़े बारह बीघे मुरबाबंदी थी पहले, हाँ बाद में 15। अच्छा, आपके पिताजी जो हैं आज़ाद हिंद फौज में, हाँ जी, उनका पोस्ट या पद क्या था कुछ बता सकते हैं? पोस्ट गनर, गनर नाइट। अच्छा, तो कभी सुभाष चंद्र बोस जी से मिलने का मौका मिला? सर आना हर वक्त। अच्छा, नेताजी ने तो बल्कि वो एक बार इनकी चैकिंग करी थी, वो सामान सुनूंगा और अपने थे ना वो बेच खा गए, बोरी भी ढाई से बोरी राशन की, कौन बेच खा गए? और जो आड़े के नहीं मिल रही है में थी, वो चोर चुपके थे जो बाद में गए ना जी भी है कैद करे हुए, इन्हें बेचे दिए, मेरे बाप का जब मैं 250 बोरी ला गई थी, अब जो स्टोर का वो है और तुम इसकी करे कम्प्लीट नहीं करी सामान का। आज़ाद हिंद फौज के अंदर इसका मतलब जो व्यक्ति वहाँ सेना में भर्ती थी, हाँ, वो जो खाने पीने की वस्तुएं थे उनको गमन करते थे, हाँ गमन करते थे, वो युद्धक कतर समाते रहते ना उस टाइम में, अच्छा ठीक है, गमन करे थे वो, फिर पकड़े सुबह से। हमारे खाने में भी रोटी मिलाई है, एक टाइम ही शायद देखा हमने तो हमारे खाने में रोटी मिली, उनको मेरे बाप ने बताया करता भाई 13 दिन का ही हमने अनपानी नहीं मिली, अंग्रेजी ने बोले भाई बोला भी सुबह कार कर लो भाई नहीं यार, हम बोले तो हमारे बढ़िया से बढ़िया आपके गाँव में बोले बोले हम बनना मंजूर है दादी ले करा के। बहुत आपका गांव जो है मायना, आप कन्नी, आपका मायना या कन्नी, इनमें कोई और भी कोई आज़ाद हिंद फौज में था? आज़ाद हिंद फौज में एक हमारा काका हुआ था बालक राम वो थे, मेरे क्या समझे क्या जाती थी? आया था जी वहाँ, अच्छा आया था थोड़े दिन बाद, क्या जाती थी उनकी जाट? अच्छा, और फिर
हरजीत है जी, एक सूबेदार। हरजीत सूबेदार, हाँ। ये भी आपके जो मायना गांव से थे? मायना गांव के। अच्छा ठीक है, ये भी आपके जाट जाट बरादरी? हाँ, जाट बरादरी। अच्छा, और कोई? और एक तो सैयद है जी, वाल्मीकि दयाचंद। ये कानी सर है, वो आप मायना? वो मायना। अच्छा, मायना। एक तो सैयद है जी, एक तो सैयद। क्या नाम है जी? रामचंद्र। उसका रिकॉर्ड खराब है, उसका रिकॉर्ड नहीं खराब है, उसके नाना का मामा का नाम है ना, उसका बता रहे वो गलत आ गया उसमें। वैसे तो था ना वो दुलारी, दुलारी तारे। नहीं वैसे तो था। हाँ, वैसे था। आपके पिताजी बताते थे? हाँ, नहीं तो सगी भाभी थी। अच्छा, अब मेरे को बताओ, कानी गांव में कोई था? कानी में कोई नहीं। अच्छा, कानी में कोई नहीं। एक वो बड़ा नाम का बंदे कोई ऐसा भी था कोई जो महात्मा गांधी का आंदोलन में कोई जेल में गया हो, ऐसा भी कोई था? कुछ नाम लेते हो बुजुर्ग? महात्मा गांधी जंग रह गया सारी जो उसने कुर्बानी भगवान के भजन गा रहे थे ना, गांधी कहते एक भी नहीं भजन उसके मुकाबले, एक भी। देखो बात ये है, उसका भजन में भी सुना, हर व्यक्ति का अपना अपना रोल होता है। अगर सेना की बात करूँ, एक व्यक्ति गोली चलाने वाला है, एक आदमी जो है जुत्ती काटने वाला है, एक आदमी जो है सफाई करने वाला है, एक आदमी जो पानी पिलाने वाला है। अगर सबका रोल इतना होगा तो क्या गोली चलाने वाला क्या करेगा? खाना ही नहीं मिला क्या करेगा? एक जो है उसको जो अगर खाना बना के देता है तो खाने बनाने वाले का रोल, वो एक ट्रक ड्राइवर है जो हजार हजार बंदों को जो है एक जगह दूसरी जगह पहुँचाता है, तो रोल तो एक गोली चलाने वाले की बजाय उनका ज्यादा हुआ। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी अहमियत है। आप रागनी कह रहे, सुनाओ कौन सी जो है उनका कोई ऐसी कोई हो? सुख सुख चैन की वर्षा बरसे, जय भारत भाग्य जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, जय आजाद दिल के नारे, भारत नाम सभा। भारत नाम सभा का अपना नाम नहीं लिया उसने, आजाद हिंद का नारा लिया, आजाद हिंद सारे का नाम ले लिया, भारत नाम सभा का। भारत की जितनी ये जो जातिवाद है ना, सब हरेक कौम में जमीन मिलती है, हरेक का। मेरे को एक बात और बताओ, एक राजपूत थे ना, राजपूत को राजपूत नहीं थे, राजस्थान का एक भी नहीं था मिलिट्री, और कन्याकुमारी भी लेकर कश्मीर के पंजाब पाकिस्तान सारी जातियाँ समय समय पर जो देखो देश चलेगा। मैं आपको ये बताऊँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, दूसरा सेकंड वर्ल्ड वार, ये सेकंड वर्ल्ड वार भी देखो, तो राजपूत हो या कोई अन्य हो, चाहे कोई जाट हो, चाहे कोई चमार हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे कोई ठाकुर हो, हर व्यक्ति ने कहीं अपना रोल प्ले किया। कांग्रेस में करे नहीं, कांग्रेस में किया रोल प्ले करे ने 1947 से पहले कांग्रेस भी एक जो है आज़ादी कराने में एक रोल था हाँ उसका जो बोला अपने अपने जगह पर सबका रोल है। तो कुछ आपके जो कानी गाँव है, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र होगी 78 साल हो गए। कोई नई घटना ही बताओगे, कोई इस गांव के बारे में सुनी है, मुसलमान के बारे में, वहाँ का आपका? हाँ जी, आड़े के बताऊंगा तो बुजुर्ग बताते होंगे। चलो जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। नमस्कार, चाह पानी ना जी, चाह पानी।